नमस्कार इंडिया, कैसन हो तुम लोग? आई नो कि तुम लोग एकदम फिट फाइन हैप्पी होना चाहिए इंडिया वालों को, और मैं हैप्पी हूँ नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और क्यों नहीं हूँ वो आगे की वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज पूरा वीडियो देखना। ओके गाइस, तो फाइनली गाइस, हाँ हे गाइस, केम छोर और सबके स्वागत में हमार उपसी यारी के चैनल पे गाइस। हाँ, ये तुम्हारा उपसी बहुत बकचोदी करता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ही हूँ। और एरी आजकल दिख नहीं रहा है, और क्यों नहीं दिख रहा है, कहाँ पट रखा है वो सब बताते हो तुमको। ओके, चिंता मत करना। तो गाइस, ये थंबनेल दिखा ना, आज इसी थंबनेल में हम बकचोदी करने वाले हैं, बिना बकचोदी किए बकचोदी करेंगे। ओके, आई नो, मुझे ट्रस्ट है तुम लोगों पे कि तुम लोग मेरी वीडियो को एंड तक देखोगे, स्किप नहीं करोगे। और स्किप ना करने का और एंड तक देखने का रीज़न बताता हूँ। देखो, हमारा सेंटर पड़ा है, कहाँ पड़ा है, इस बोर्ड का पेपर हम कहाँ देने जाएंगे, और आज मेरे साथ क्या क्या कांड हुआ वो सब बताने वाला हूँ। तो मुझे ट्रस्ट है कि स्किप मत करना। एंड गाइस, जो पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि पार्ट टू कवर करेंगे इस वीडियो में, बट इस वीडियो में नहीं हो पाएगा पार्ट टू कवर, क्योंकि मेरे को याद नहीं है कि मैंने उस वीडियो में क्या बोला था। गाइस, तो समझ जाओ आज जो मेन टॉपिक है वो सब आज की बकचोदी करेंगे। ओके गाइस, तो मैं एक मिनट से बकचोदी कर रहा हूँ, इसका मतलब ये वीडियो स्टार्ट हो चुका है ना, तो प्लीज स्किप मत करना, एंड तक देखना। मुझे तुम लोगों पे ट्रस्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग चिड़कुट बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग बकचोदी होगी। तो गाइस देखो, आज का सुबह से मैं तुम्हें ब्लॉग बताता हूँ। देखो एक्चुअली क्या हुआ, मैं ना हमेशा बोलता रहता हूँ मम्मी को कि मम्मी मेरा पेपर हुआ है 19 तारीख से, तो आप मुझे जल्दी उठा देना, मैं पढ़ने लगूंगा थोड़ा। तो आज भी मतलब मम्मी 2-3 दिन से मुझे उठा रही थी, बट मैं उठ ही नहीं रहा था। एंड फाइनली आज भी कुछ ऐसे ही हुआ। देखो, मेरे भाई का स्कूल है ना, छोटे वाले भाई का स्कूल है, वो फर्स्ट क्लास में, तो उसको जाना पड़ता है, तो उसको 9 बजे का स्कूल है, तो मम्मी आराम से उसको 8:30 बजे 8:30 बजे तक उठा के तैयार करके भेज देती है। तो उस टाइम से गाइस घर में इतना मतलब हल्ला गुल्ला होने लग जाता है। हल्ला गुल्ला मतलब नहीं समझते तो हम बताते हैं ना, इसका मतलब शोर होता है। गाइस घर में शोर होने लग गया, तो इतने शोर में मुझसे सोया नहीं जा रहा था, मैं फिर भी सो रहा था। देखो, सोया नहीं जा रहा था, फिर भी सोने का सोना ही मुझे, तो सो ही रहा था मैं। तो फाइनली मम्मी मेरे भाई को स्कूल छोड़ कर आई, उसके बाद उठाया मुझे। मुझे गुस्सा आ गया था, क्योंकि ऑफकोर्स पहले ही हल्ला गुल्ला हो रहा था, एंड इतनी जल्दी उठा रही थी मम्मी, तो मुझे गुस्सा आ गया था गाइस। तो मैंने बोल दिया कि अगर आपने मुझे उठाया तो मैं ना उठ के टीवी फोन देखने लगूंगा, पढ़ूंगा नहीं। मम्मी कह रही है हाँ ऐसा करेगा ऐसा। फिर मैंने और बहस करने लग गया, मैं मम्मी से क्या क्या बहस किया गाइस वो वर्ड मैं बता नहीं सकता। एक्चुअली मैंने बोला, मम्मी ने मेरे ऊपर पोछे लगाने जा रही थी घर में, तो पानी ना मेरे ऊपर डालने वाली थी, तो मैंने बोला कि डाल के दिखाओ, आप डाल के दिखाओ पानी। तो मम्मी ने, मैं ऑफकोर्स मेरा एक बोतल है जो मैं स्कूल लेके जाता हूँ, और मैं उसी में पानी भर के रख लेता हूँ, पीता रहता हूँ दिन भर। तो मम्मी ने उस बोतल को खोल के मेरे ऊपर पानी थोड़ा सा डाल दिया, और मैं पता नहीं मेरे को कहाँ से चिड़चिड़ापन आ गया, तो मैंने ना बहुत गुस्से में मम्मी को कुछ यही बोला था कि मैं पढ़ूंगा नहीं, ये नहीं करूँगा, वो फलाना ढिंकाना, बस इतना ही कुछ बोला था गाइस। और मम्मी को भी आ गया गुस्सा, मम्मी ने छोड़ दिया, कह रहे हाँ मत पढ़ जा, लिख, अगर मैं उठाऊंगी तो तू पढ़ने नहीं लगेगा, टीवी नहीं देखेगा, मतलब टीवी देखेगा, पढ़ेगा नहीं, मतलब ये सब। तो मम्मी गुस्से में थी, पर मुझे गिल्टी फील नहीं हो रहा था, गिल्टी फील नहीं हो रहा था। मैं बस थोड़ी देर बाद गाइस मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था मम्मी को, फलाना ढिंकाना। मुझे लगा कि मम्मी आज मेरे से बहुत गुस्से में है, और मम्मी हमेशा ना जो कपड़े वपड़े धोती थी, मैं मम्मी दोपहर के समय धोती थी, बट गाइस आज सुबह धोने लग गई थी, तो मुझे लगा कि सारा मेरा गुस्सा है ना वो कपड़ों पर उतर रहा है, तो मुझे लग ही रहा था। फिर फाइनली मैं उठा गया, ब्रश किया, उसके बाद मैं गया किचन में खाना खाने। मैंने देखा तो चाय, भाई दूध वाली चाय थी, एकदम मस्त ऑफ कोर्स। तो मेरे को लगा कि होगा रोटी, कुछ भी तो होगा खाने के लिए चाय के साथ। मैं गया तो वहाँ पे सिर्फ आटा रखा हुआ था, और मम्मी गुस्से में थी, मैं बोल नहीं सकता था कि मम्मी रोटी बना दो आके, मुझे खुद बनाना पड़ा पराठा। अब तुम सोच रहे कि वो लड़के हो गए खाना बनाने आता है, मुझे यार मुझे कुछ नहीं आता, सिर्फ नॉर्मल चीज़ें पराठा बनाता हूँ, पराठा जो भी बोलो गाइस, वो सीधी कभी नहीं बनती, पराठे की शेप की कभी बनेगी नहीं, ट्रायंगल शेप की रोटी बनाता हूँ कभी गोल नहीं बनेगी, मतलब मुझे हल्का फुल्का घर का काम आता है गाइस। तो मैंने 2 पराठे बनाए, फिर चाय के साथ बैठकर खाए, टीवी देख रहा था मैं, टीवी देखते देखते फिर मम्मी आई, कपड़े वपड़े धो धाकर, फिर नहा धोकर, फिर मम्मी पूजा करती है ना, तो जो आरती का नहीं होता वो ऐसे लेके सर पे लगाती है हम तीनों भाई बहन के, तो जो जो घर में था उनको लगा दिया, तो मेरे भी लगाया, तो मेरे को लगा मम्मी गुस्से में है, फिर भी मेरे पे ऐसे पूजा से आ रही तो ऐसे हाथ लगाना, तो मतलब इसका मतलब मम्मी गुस्से में नहीं है, जब ये मम्मी कर दे तो इसका मतलब गुस्से में नहीं है, उनका गुस्सा उतर गया। तो फिर मम्मी गुस्से में नहीं थी, फिर मुझे गलती तो फील हो ही रहा था, मैं सोच रहा था जाके सॉरी बोल दूँ, बट यार अंदर से ना हिम्मत ही नहीं है कि जाके मैंने सॉरी बोला, नहीं बोला, मतलब हिम्मत ही नहीं आई, मैं बोल देता पर
हिम्मत ना बहुत अंदर दबी हुआ था। तो कोई बात नहीं गाइस, पर मम्मी मान गई थी। एंड मम्मी का मनाने का रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है। पढ़ाई जाके फिर क्या, देखो मैं गिल्टी तो फील कर ही रहा था, और मैं ये भी फील कर रहा था कि मैं बहुत दिनों से पढ़ नहीं रहा हूँ। मेरा पेपर है 19 तारीख को, और SST में इतने सारे चैप्टर है, साइंस में इतने सारे चैप्टर है, मैथ्स में इतने सारे चैप्टर है। तो फाइनली गाइस मैं 11 साढ़े 11 बजे के करीब मैंने टीवी वीवी सब बंद किया, कॉपी उठाया, उस सेकंड फ्लोर पे गया, चेयर के साथ एकदम धूप में बैठ के मैंने पढ़ने लग गया। एंड मेरे साथ पता है क्या गलती होता है, जब भी मैं जाके धूप में पढ़ता हूँ तो मुझे नींद आती है, इसलिए इस बार मैंने हिंदी निकाला। सबसे पहले हिंदी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, उससे मैं बोर होके ना नहीं हो सकता था। मैं अब बोर होता ना तो मैंने ना बहुत पहले मोटिवेट एक वीडियो देखा था, बहुत पहले नहीं बोल सकता था, एक दिन पहले, कि अगर तुम्हें नींद आता है पढ़ते समय तो तुम बस बोलना कि बस 5 मिनट पढ़ता हूँ, 5 मिनट। उसके बाद 5 मिनट बाद तुम पक्का दोबारा बोला कि सिर्फ ये 10 मिनट ये लाइन पढ़ के फिर सो जाएंगे। फिर ये करते करते ना हम मैक्सिमम बहुत ज़्यादा घंटे पढ़ सकते हैं। ये ट्रिक मैंने देखा था। एंड रियलाइज गाइस, धूप में बैठने के बाद ऑफकोर्स मेरे को नींद तो आ ही रहा था, और ये ट्रिक यूज़ किया मैंने हिंदी को पढ़ने के लिए, हिंदी क्या मैं किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। एंड फाइनली गाइस ये ट्रिक ना एकदम करके दिखा रही है स्ट्रिक ने। मैं 2 घंटे हिंदी पढ़ा था गाइस, और देखो भाई मेरे को खुशी हुई थी, फर्स्ट टाइम ना सेटिस्फाई था मैं कि मैं पढ़ा कुछ तो पढ़ा भाई। एक चैप्टर हिंदी का पूरा कंप्लीट कर दिया था, एंड दूसरा चैप्टर भी मैंने लगभग आधा कंप्लीट कर दिया था, मतलब 2 घंटे में 1.5 चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, ये बहुत बढ़िया था। उसके बाद मैंने सोचा कि 1 घंटा साइंस पढ़ लेते। उसके बाद मम्मी बोल रही थी कि खाना खा ले, मुझे बर्तन बर्तन धोना है, मुझे कहीं जाना था मम्मी को, तो मुझे नहीं पता कहाँ जाना था। तो मैं 2:30 से मैंने 2 बजे तक वो पढ़ा था, क्या कहते हैं, 12:30 से 2 बजे तक हिंदी पढ़ा था। उसके बाद मैंने सोचा कि 2 से 3 गाइस वो पढ़ लेते हैं साइंस, बट मैं सिर्फ आधा घंटा ही पढ़ पाया साइंस। और गाइस साइंस का चैप्टर वही पढ़ा जो मैं हमेशा पढ़ता था, और मुझे नींद आता था, मतलब हमेशा क्या, मैं कोई भी चैप्टर पढ़ूँ ना साइंस का मुझे नींद आने लग जाता। तो मैं हमेशा 2-3 दिन से एक ही चैप्टर पढ़ता था, लाइफ प्रोसेस, तो हमेशा मैं शुरू से पढ़ता था चैप्टर के स्टार्टिंग से। इस बार मैंने लास्ट से स्टार्ट किया था, एंड सच में मैंने 5-6 पॉइंट याद कर लिए थे, मुझे बहुत खुशी हुआ। और ये सब देख के मेरा दिल ना बहुत मज़े में आ गया कि फाइनली चलो तूने पढ़ा तो, चाहे 5 लाइन SST का पढ़, साइंस का पढ़ा, चाहे SST का पढ़ा, कुछ तो पढ़ा। उसके बाद गाइस मैं नीचे आया तो फ़ोन में चार्ज कम था, मैंने फ़ोन को चार्ज में लगाया, यहाँ पे गाना सुन रहा हूँ टीवी पे ऑन करके। फिर मम्मी ने बर्तन बर्तन धो लिए, फिर मैंने खाना गर्म किया, खाना खाया। उसके बाद ऑफकोर्स खाना खाते खाते मैं फ़ोन देखता हूँ, फ़ोन देखते देखते मैं रील्स देखता हूँ, यही मेरा काम है। तो गाइस ये आज की बकचोदी थी, और अभी 5 बजने वाला है, और मैं बिस्तर पे लेट कर कंबल के अंदर, लाइट कटा हुआ था बट अभी लाइट आ गया और मैं बकचोदी कर रहा हूँ। आज का ब्लॉग तो यहीं पे था। अब मैं बताता हूँ गाइस हमारा सेंटर कहाँ पड़ा है। देखो अगर ये लोग, ऑफकोर्स मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ गाइस, अगर जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं चाहे कोई भी हो, वो मोहन गार्डन में रहता है या उत्तम नगर या राजस्थान स्वीट आसपास, तो तुम समझ जाना कि तुम हमारे आसपास रहते हो, या द्वारका, द्वारका भी हमसे पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, या नोएडा भी गाइस। तो ये सारा एरिया ना मेरे घर से आसपास है, 1 घंटे के मैक्सिमम रास्ते में। तो हमारे स्कूल पढ़ता है मोहन गार्डन में, और हमारे स्कूल गाइस का नाम है चॉकलेटी वाला, ऑफकोर्स अजीब नाम लगेगा, चॉकलेटी वाला गवर्नमेंट बॉय सीनियर सेकेंडरी ऐसे ही है गाइस। और हमारा सेंटर पड़ा है 10th क्लास का बोर्ड का, वो पड़ा है गाइस मटियाला रोड, एक रोड है जिसका नाम मटियाला है, और वहाँ उसी रोड पे एक स्कूल भी है जिसका नाम है सर्वोदय कन्या विद्यालय स्कूल मटियाला, ऑफकोर्स। तो हमारा सेंटर यहीं पे पड़ा है, और मैंने ऑफकोर्स सर्च किया था गूगल पे, तो 1 घंटे का डायरेक्शन था, अगर तुम पैदल जाओगे तो तुम्हें 1 घंटा लगेगा गाइस, एंड कार बाइक से जाओगे तो ऑफकोर्स हाफ लगेगा। तो वही आज मैं अपने फ्रेंडों से बकचोदी कर रहा था, तो मेरी एक फ्रेंड ने ग्रुप पे भेजा था कि गाइस मैं मटियाला स्कूल देख कर आ गया। फिर मैंने बोला कब गया था तू बताइयो, तो कह रहे हैं कि मम्मी के साथ गया था मैं बैंक से रिलेटेड कुछ काम करने, तो उधर ही उनके साथ देख कर आ गया। फिर एक और फ्रेंड हमारा जो हमारे पास में रहता था, उसने भी मैसेज किया कि पापा के साथ में गया था एंड मैं मटियाला स्कूल देख कर आ गया। मैंने बोला सब जाओ धोखे दे रहे हो ना, कुत्ते कमीने जाओ धोखे दे रहे हो, मैंने मन में बोला था ऐसे कमेंट। मैंने बोला ठीक है ओके। फिर फाइनली वो टी से, तो उसके घर वाले मेरे से चिढ़े हुए, उनको लगता है कि उनका बेटा अब मेरी वर से बिक रहा है, कौन बताए किसको बताए घर वाले को, सबके मेरे 9 फ्रेंड थे, सबके घर वाले को लगता है कि उनके बच्चे अपने दोस्तों के कारण बिगड़े हैं। बट कैसे समझाए गाइस कि वो पहले से बिगड़े थे, उनके पता क्या होते हैं, उन
जैसे होते हैं ना घी में आग में घी डालना, वैसे ही हमारे दोस्त का ग्रुप है भाई। हम लोग पहले से बिगड़े थे, बट हमारे अंदर जो आग के अंदर ना घी डाल दिया, और वो एक इंसान घी डाले तो थोड़ा कम बिगड़ते हैं बच्चे, बट हम 9 लोग हैं और 9 लोगों ने बारी बारी से घी डाला तो सबके अंदर का शैतान बाहर आ गया। तो पहले से बिगड़े हुए थे, ये कभी नहीं बता सकते हम उन लोगों को। तो फाइनली क्या होता है गाइस कि हमने सोचा था मटियाला जाएंगे, तो मेरे कुछ फ्रेंड है बेस्ट फ्रेंड, वो भी जाने वाले थे, बट उनके घर से ना बहुत पास पड़ेगा, आधे घंटे का रास्ता पड़ेगा और हमारे से दूर पड़ेगा। तो हम वही सोच रहे कि हम कल चले जाए उनके घर जाते हैं, फिर वहाँ से मटियाला सब देख कर आ जाएंगे स्कूल। एंड हमें ऑफकोर्स हमारा पेपर 7 पेपर है तो 7 बार जाना पड़ेगा, थोड़ा गैप दे दे कर है। तो यहाँ से हम सोचे थे यहाँ से हम रिक्शा ले लेते क्योंकि 1 घंटा लगता है यहाँ से जाने में और रिक्शा हमें आधे घंटे में पहुँचा देगा। तो वही सोच रहे थे, बट यार एक यहाँ से सिर्फ जाने तक का 50 रुपये ले रहा है, बताओ एक इंसान का। तो हमने सोचे कि उधर से हम पैदल आ जाएंगे, तो यही पूरा डिस्कशन हो रहा था गाइज। तो गाइज एक्चुअली देखो, जो मैंने बताया था कि हम 3-4 फ्रेंड एक तरफ रहते हैं और 5-6 सारे फ्रेंड वो अलग रहते हैं, मतलब दूसरी साइड रहते हैं। तो उसमें से जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था उसने मुझे कॉल किया था और हम बातें कर रहे थे कि कैसी पढ़ाई चल रही है फलाना ढिंकाना। मैं वही सोच रहा था इतने दिनों से वो मुझे कॉल क्यों नहीं टैक कर रहा है, इतने दिन नहीं होते मतलब 1-2 दिन हुए थे। तो मैंने उससे जब कॉल आया था मैंने बोला कि मैंने सुना कि तेरे घर एन गया था। हाँ, उसने बोला हाँ। तो जब मैंने रीज़न पूछा था तो उसने बोला ऐसे ही बस पूछने आया था और बात बात करने आया था कि सेंटर चले क्या देखने। एन चाहता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड, ऑफकोर्स हमारे ग्रुप के बेस्ट फ्रेंड मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसके साथ जाए क्योंकि वो आसपास रहते हैं ना देखने सेंटर। तो मैंने बोला कि मेरे को और टी को भी जाना था, हम लोगों को सेंटर देखने, तो हम तुम्हारे साथ चल लेंगे ना। तो वही बोल रहा था शायद मेरा कंफर्म नहीं है कि मैं जाऊँगा। एंड जब वो मुझसे बात कर रहा था ना, तो उसकी भतीजी छोटी सी है 1-2 साल की, वो पीछे से बोल रही थी, मतलब ना उससे ज़्यादा, उस भतीजी से ज़्यादा गाइस उसके पीछे 2 मुर्गे थे। ऑफकोर्स जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, उसने अपने घर में 2 मुर्गे बड़े बड़े पाल रखा है गाइस, पैट बोल सकते हैं, जैसे लोग ऑफकोर्स डॉग कैट पालते, तो उन्होंने मुर्गे पाल रखे हैं। तो एक्चुअली वो यार उन्होंने मुर्गे पाल रखे हैं तो कभी भी नहीं खाते मीट, चिकन कभी नहीं खाते गाइस, भले ही फिश खा ले बट चिकन कभी नहीं खाते। अब मैं बोलता हूँ ना कि तेरे एक मुर्गे को ले जाके ना काट कूट के बना के खा लेंगे हम लोग, तो चिढ़ जाते, गुस्सा करते, बोलते हैं ए नहीं इतने दिनों से प्यार से पाला है वो, मतलब एज अ पेट हो गए उनके। तो वो ऐसे चिल्ला रहे थे मुर्गों की आवाज़, तो मैंने बोला कि छोड़ अपने भतीजी को छोड़, पीछे तेरे 2 और जो भाई है ना 2, वो और चिल्लाए जा रहे हैं। उसने बोला कौन? मैंने बोला अरे तेरे मुर्गे। तो हंसने लग गया, एक्चुअली वो लोग उसको भाई जैसे ही मानते हैं। तो फाइनली गाइस तुम लोग देख सकते हो कि मेरा एक्सीडेंट गेम के अंदर ना हो, मेरी वीडियो के अंदर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, मतलब जज्बात हालात सब बदल जाएंगे अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो। तो फाइनली गाइस अब थोड़ा बात चोरी करते हैं, बक चोरी करेंगे, ओके? तो गाइस आई नो तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आती है और तुम इसलिए देखते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो। एंड मुझे पता है कि मेरी बकचोदी तो ऑफकोर्स सबको पसंद आती है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी, 1000 करो सब्सक्राइब, 4000 वॉच टाइम्स कंप्लीट करवाओ गाइज। एंड फाइनली कमेंट में जो लिखना चाहोगे वो लिख सकते हो। एंड आई नो मुझे पता नहीं है कि आज कौन सा डे, अरे अरे गाइज हाँ हाँ, मेरा मतलब ये था कि आज 17 तारीख है ये भी बताया, और मुझे आज फ्राइडे है मुझे ये भी बताया, बट आज ब्रोकन डे है यार, तुम्हें पता है कि आज क्या डे है? वैलेंटाइन डे के बाद पता नहीं थप्पड़ डे, पता नहीं फलाना डे आता है ना, तो अगर किसको पता है तो आज कौन सा डे है प्लीज़ कमेंट करके बता। एंड ये वीडियो अपने भाई बहन जीजा जाजा साली जिसको शेयर करना चाहोगे, अभी तक तो किसी बंदे ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, इस वीडियो को छोड़ दो मेरे जितने भी वीडियो है चैनल पे उस पे किसी पे भी एक वीडियो को भी शेयर नहीं किया कर दो ना, क्या चला जाएगा तुम्हारा घर थोड़ी लूट रहा है, तुम्हारे पैसे थोड़ी लूट रहे हैं, वैसे तुम्हारे पास पैसे बैंक बैलेंस है क्या कमेंट करके बताना, मेरे पास तो 0 है। ओके गाइज तो ज़्यादा बकचोदी कर ली मैंने, तुम लोग देख सकते हो कि इसमें रात कर दिया क्योंकि मैं रात का मज़ा नहीं ले सकते, इसलिए मैंने ओनली रात किया। मैं अकेला हूँ, बाइक पे घूम रहा हूँ, समझने वाले समझ चुके होंगे कि मेरा इशारा कहाँ जा रहा है। और देखो यार फिर से एक्सीडेंट, मैं पता है यहाँ पे कौन से, मैं 1 रुपये गाइज मेरे पास और मैं हिंग गोली खा रहा हूँ, ऑफकोर्स वो भी मेरे पैसे नहीं है, मेरे पापा ने मेरे भाई को पैसे देकर गए थे ना 5-10 रुपये, तो वो हिंगोली लेकर आया था तो 1 पैकेट मेरे को दे दिया, बताओ देखो मैं हिंगोली खा रहा हूँ 10वीं क्लास का बच्चा होकर, क्या ही बताऊँ। तो फाइनली गाइस ज़्यादा बकचोदी कर लिया मैं, आते हमारे मेन टॉपिक, तो ये थंबनेल लिखा है ना गाइस, हाँ अगर इस थंबनेल के दोनों चिटकोड तुम लोगों को चाहिए तो मैं उपसी एरी मोहित सचिन और फरीद फरहान, हाँ फरहान तो मैं अब
अपसेट थी यार। बट कल ट्यूशन में क्या मजा आया था, क्या हमने बकचोदी किया था वो बाद में बताता हूँ। तो और गेम के डेवलपर, हम लोग यही चाहते हैं कि कमेंट में जो लिखना चाहो एनीथिंग लिख सकते हो, तभी गेम के डेवलपर गेम्स के इम्प्रेंस होंगे और गेम्स के अंदर गाइस न्यू चीट कोड और न्यू आइडियाज सब कुछ नए चेंजेस करेंगे। ओके गाइस, तो एक्चुअली क्या हुआ कि कल रात को हम ट्यूशन गए था, मैं गया था 7 बजे। भाई इतनी बकचोदी की क्योंकि 9th क्लास का ना मैथ्स का पेपर था कल, एंड भैया ने उनको बुला लिया था डिस्कस करने के लिए और हम भी साथ में थे। तो भैया उनसे 9th क्लास के पेपर डिस्कस कर रहे, उसमें सिर्फ गर्ल्स आई थी, एक दो बॉयज आए थे, तो उनसे उनका पेपर डिस्कस कर रहे थे। एंड हम पीछे बैठ कर लड़का लड़की मतलब 10th क्लास की इतनी बकचोदी कर रहे हैं, इसकी सेटिंग उसकी सेटिंग फलाने की सेटिंग पर बात किए जाने, मतलब ना बहुत मजे किए थे। तो फाइनली गाइस इसकी पूरी वीडियो बाद में बताऊंगा, एंड जो मुझे यूट्यूब पर सपोर्ट करते थे।